और आप देख रहे हैं 2024 वाली बजाज की पल्सर 125 सीसी का ऑल ब्लैक नियोन वाला नया मॉडल 2024 E20 OD2 अपडेट के साथ। इस बाइक के फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड, डिटेल में ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले अपडेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो ग्राफिक्स हैं, जो 3D में एम्बलेम है, ये सब कुछ बदल चुका है। जैसा कि यहां पर जो लोगो आप देख पा रहे हैं पल्सर का, ये अब आपको 3D में मिलेगा। हालांकि पहले भी 3D में मिलता था, लेकिन यहां पर अब आपको थोड़ा सा क्रोम का टच दिया गया। बाकी यहाँ पर पूरा का पूरा जो बॉर्डर है वो आपको सिल्वर कलर के साथ मिलेगा। निचले वाले जो ग्राफिक्स हैं टैंक के निचले वाले हिस्से में, ये भी बदल चुके हैं। यहाँ पर ग्रे कलर और सिल्वर कलर की स्ट्रिप के साथ न्यू डिज़ाइन के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 11.5 लीटर का मेटल बॉडी का पेट्रोल टैंक मिलता है। यहाँ पर आपको अब टैंक पैड भी आपको मिल जाता है। E20 की बैजिंग भी आपको मिल जाती है और इसका जो कलर है वो एकदम प्लेन है, जो कि ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है। कोई भी इसमें माइनर से चमकीले पार्टिकल आपको नज़र नहीं आने वाले। बाकी इसके सीट काउल के ऊपर भी आपको सिल्वर और ग्रे कलर में न्यू डिज़ाइन के यहाँ पर आपको 125 के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। लेकिन पहले वाले मॉडल में नीचे में आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच मिलता था, यहाँ पर जो निचला वाला हिस्सा ये आपको प्लेन मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहले वाले मॉडल में ये जो चीज़ थी वो आपको एकदम प्लेन मिलती थी, कोई भी कलर कोडिंग आपको नहीं मिलती थी। यहाँ भी अब आपको साइड बॉडी पैनल के ऊपर में कलर कोडिंग बाकायदा आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके फेयरिंग के साइड भी आपको सिल्वर और ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, लेकिन वही आगे वाला जो मडगार्ड है ये आपको एकदम प्लेन मिलेगा। स्विच असेंबली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इंजन किल ऑन ऑफ का जो बटन है ये वही ओल्ड मॉडल का ही दिया गया है। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। सबसे पहले मैं इसके इंजन और एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। अभी ये आइडल कंडीशन में आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसके जो RPM है वो तकरीबन 1800 हैं और इसके जो आइडल RPM है वो आपको मिलते हैं तकरीबन 1300 के। तो भाई इंजन इसका काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। इसमें आपको क्लिपन वार स्पोर्टी हैंडल बार मिल जाती है, जिसमें एलंगी वाले 4 बोल्ट आपको मिलते हैं। यहाँ से आप इसको चाहो तो खोल भी सकते हैं। चाबी की अगर मैं बात करूं तो मिंडा कंपनी के यहाँ पर आपको नॉर्मल चाबी मिलती है और इसका जो मीटर है वो आपको वही मिलता है सेमी डिजिटल में, जो कि देखने में आज की जो डेट में नई वाली आ रही है उससे तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर आपको वही RPM मीटर मिल जाता है और RPM लिमिट की वार्निंग लाइट मिलती है, टर्न इंडिकेटर, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, यहाँ पर हेडलाइट, चेक इंजन की लाइट, ऊपर में साइड स्टैंड, लो बैटरी, IFE इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, और यहाँ पर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर, और यहाँ पर आपको मिलता है भाई फ्यूल गेज। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी मिल जाता है और इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला फीचर्स भी मिल जाता है, जिसको रेंज जो है वो बोला जाता है। माइलेज की बात करें तो तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर प्रति लीटर का हाईवे पर आपको ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में माइलेज देती है। अगर आप इसको सिटी में चलाते हैं तो तकरीबन 50 से 52 KMPL का आप इस बाइक से माइलेज बड़े ही प्यार से निकाल सकते हैं। यहाँ भी आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर मिल जाता है। यहाँ पर जो स्विच हैं ये भी आपको ओल्ड वाले मिलते हैं। यहाँ पर अपर डिपर इंडिकेटर, इसमें जो हॉर्न है वो सिंगल मिलता है, लेकिन इसका जो हॉर्न है वो काफ़ी लाउड है। क्लच का जो लीवर है वो आपको थोड़ा सा इसमें टाइट मिल जाता है। मिरर आपको वही पुराने वाले मिलते हैं। अब आ जाते हैं बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। इंडिकेटर इसमें आपको फुली फ्लेक्सिबल मिल जाते हैं, जो कि हेलोजन वाले दिए गए हैं, लेकिन जो हेडलाइट है वो आपको वही पुरानी वाली मिलती है, जिसमें आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलता है। और बकायदा ऊपर में 2 छोटे छोटे यहाँ पर आपको पायलट लैंप भी देखने को मिल जाते हैं और इसकी वजह से बाइक का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। ब्लैक कलर का ग्लॉसी फिनिश में वाइजर है, यहाँ पर बजाज की ब्रांडिंग दी गई है। 33mm के टेलीस्कोपिक कन्वेंशनल फॉर्क आपको मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 240mm की डिस्क मिलती है, जिसमें दोनों साइड में रिफ्लेक्टर C8 कंपनी के टायर मिलते हैं। इसका जो साइज़ है वो 90/100/17 का रहने वाला है। 17 इंच का ब्लैक कलर का आगे में अलॉय व्हील दिया गया है। इंजन की तरफ चलते हैं तो भाई यहाँ पर आपको किक और सेल्फ दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। पहले वाले मॉडल में DTSI मिलता था, मतलब कि दोनों साइड आपको 2 स्पार्क प्लग मिलते थे। अब इसमें आपको दूसरी साइड ही सिंगल स्पार्क प्लग मिलेगा। ये वाला जो स्पार्क प्लग है इसको यहाँ से हटा दिया है। BS6 फेज 2 में अपडेट हो चुकी है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 124.38 cc का एयर कोल्ड 4-स्ट्रोक BS6 FI इंजन दिया गया है OBD2 कंप्लाइंट के साथ। तो ये इंजन आपको मैक्स पावर देता है 12 PS की 8500 RPM तक, और ये इंजन आपको अधिकतम टॉर्क आपको जनरेट करके देता है 11 Nm का 6500 RPM तक। बाकी इसमें आपको सिंगल क्रेडल फ्रेम मिल जाता है। जैसा कि ये लोअर वाला मॉडल है तो इसमें आपको कोई भी इंजन गार्ड वगैरह आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि उस बाइक में वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बाकी इसमें सिंगल हॉर्न है, कैटलिटिक कन्वर्टर, ये भी पूरी तरीके से यहाँ पर ओपन है।
बाकी इसमें जो क्रैश गार्ड है वो अभी असेंबल नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी जो फुटपैक्स हैं वो आपको बाइक के एकदम सेंटर में मिलते हैं। और ये है इसकी क्रोम का ब्रेक पैड का लीवर, और 165 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अब सीट कंफर्ट की बात करें, जैसा कि ये लोअर वाला वेरिएंट है तो इसमें आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। सीट के अंदर की जो फॉर्म है, जो ये जो कुशन का इस्तेमाल किया गया, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा मुलायम मिल जाती है। 785 mm के आसपास सीट हाइट मिलती है। ये जो ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं ये आपको थोड़ा सा साइज में छोटा मिलता है, जो कि पल्सर 125 का जो टॉप वाला स्प्लिट सीट वाला जो मॉडल आता है उसमें आपको पल्सर 150 के टॉप मॉडल वाला ये वाला एल्यूमिनियम का ब्रैकेट मिलता है, जिसके अंदर में ये जो फुटपैक्स है वो यहाँ पर अटैच होता है, जिससे आपको बाइक को चलाते समय थोड़ा सा स्पोर्टी वाला फील आ सके। यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है वो टोटल मैट ब्लैक में है। पीछे में बड़ा सा टायर हगर मिल जाता है। टायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर C8 का टायर है, और इसका जो साइज़ रहने वाला है वो है यहाँ पर 190/17 इसकी प्रोफाइल रहने वाली है। तो पीछे वाली टायर की जो चौड़ाई है वो आपको 100 mm की मिलती है। पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है, साथ में RLP सेंसर भी मिल जाता है। पीछे में एंडोरेंस कंपनी के नाइट्रोक्स गैस कैनिस्टर एडजस्टेबल यहाँ पर आपको सस्पेंसर मिल जाते हैं, जो कि गड्ढे में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देने वाले हैं। बाकी पीछे में सिंगल पीस यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, स्प्लिट LED वाली टेल लाइट मिलती है, और यहाँ पर जो मडगार्ड है ये भी आपको एकदम बेसिक साइज दिया गया है। चेनसेट कवर है ये मेटल बॉडी का, जो कि पूरी तरीके से कवर्ड है, और फोल्डेबल आपको फुटपैक्स मिल जाते हैं। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, पहला गियर आगे है, 4 गियर एड की तरफ से डाले जाते हैं, इसी तरीके से अपोजिट में निकाले जाते हैं। साइड स्टैंड इंजन गडॉप सेंसर वाला फीचर्स भी मिल जाता है, और मैन स्टैंड भी आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका ओनली 1 स्पार्क प्लग, BS6 FI OED2 कंप्लेंट वाला नया इंजन मिलता है। पहले ये जो बाइक है ना वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ मिलती थी, लेकिन कंपनी ने उस टेक्नोलॉजी को हटाकर अब इसमें FI वाला सिस्टम दे दिया, जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल भी मिसिंग की दिक्कत नहीं करने वाली। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो पल्सर 125 का ये नियोन वाला बिल्कुल बेस वाला मॉडल है सिंगल सीट के साथ, और इसकी एक्सोरूम कीमत है वो है 81,971 रुपये, और इस बाइक को आप ख़रीद सकते हैं ऑन रोड कीमत में मात्र 101,400 रुपये में, रोल्टा बजाज बागुईहाटी VIP रोड कोलकाता शोरूम से। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें।